हेलो दोस्तों, आज हम चलेंगे अंडमान लॉ कॉलेज से लेकर के चाटम ब्रिज और चाटम जट्टी भी कवर करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं आरटीओ ऑफिस, जो जहाँ पर हमारे गाड़ी की सारी कार्रवाई की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एमबीए सब डिवीजन फोनिक्स बे पावर हाउस। इसके बाद हम चलते हैं सीशोर की ओर। सीशोर ये बहुत ही लंबी रास्ता कवर करती है, जो कि फोनिक्स में से शुरू होकर के चाटम तक जाती है। ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं कितनी हरी भरी लग रही है। और ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ऑफिस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव स्टोर डिवीजन APWD। इसके बाद हम चलते हैं, आप आगे देखेंगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होगा। ये हम सीशोर पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसलिए गाड़ियां काफ़ी कम दिख रही होंगी आप लोगों को। ये हमारे राइट साइड पे जितने भी आप हम रास्ता कवर करेंगे, ये सारे सी व्यू हैं। हालांकि ये पेड़ पौधों की वजह से छुपे हुए हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे दृश्य दिखता है नज़ारा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। अगर आप पोर्ट ब्लेयर आओगे तो यहाँ पर ज़रूर देखिएगा, यहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत तो काफ़ी अच्छा है। आगे देख रहे हैं दो रास्ता जाती है, एक रास्ता फोनिक्स बे चाटम की तरफ और लेफ्ट वाले हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से होते हुए हेडो की ओर निकलती है। हम हेडो की ओर ना जाते हुए हम चाटम के रास्ता की ओर कवर करेंगे। तो शाम का मौसम है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ये देख रहे हैं आप सी व्यू, यहाँ से पेड़ पौधे है लेकिन कम है। यहाँ पर कई सारे लोग आकर के अपना वक्त व्यतीत करते हैं और वार्तालाप करते हैं, काफ़ी सुनहरा जगह है ये। हम देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। चाटम ब्रिज की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ से बहुत दूर नहीं है, हम बस बहुत ही करीब है चाटम ब्रिज के। हम पहले चाटम ब्रिज कवर करेंगे, उसके बाद चाटम जट्टी। सीधे ही जाएंगे। इसके बाद सामने लेफ्ट की ओर अगर हम जाएंगे तो हेडो एरिया की ओर कवर करेंगे। हम हेडो नहीं जा रहे हैं, हम आज सिर्फ चाटम की ओर जाएंगे। तो ये हम चाटम ब्रिज की ओर बढ़ रहे हैं। ये आपके सामने जो दिख रहा है, चाटम ब्रिज स्टार्ट हो रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं चाटम ब्रिज की दृश्य, देखते हैं कि कैसा नज़ारा है चाटम ब्रिज का। बहुत ही खूबसूरत है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर चाटम जट्टी है। यहाँ पे कई सारे कार्गो शिप आते हैं। We'll be right back.
ये सरकारी चार्टर मिल है जो कि फॉरेस्ट कवर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे कार्गो शिप खड़ी है। यहाँ पर जनरल पब्लिक को अलाउ नहीं किया जाता है जहाँ पर कार्गो शिप खड़ी होती है, सिर्फ स्टाफ या जनरल पर्पस वाले ही यहाँ पर जा सकते हैं। चाटम से हम बम्बरलीगंज, बम्बू फ्लैट, टंडस पॉइंट की ओर जा सकते हैं। ये हम पहुँच गए हैं चाटम जट्टी। चाटम जट्टी और कार्गो शिप की दूरी बहुत नहीं है, सिर्फ रास्ता अलग अलग होने की वजह से हम यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है आपको, हवाएं चल रही हैं हल्की हल्की, शाम का वक्त है, कितना प्यारा दृश्य दिख रहा है, नीला आसमान। यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।